संदेश खाली में सीबीआई और एनएसजी का बड़ा एक्शन, बम को किया नाकाम, भारी संख्या में हथियार बरामद, ममता सरकार ने जांच को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को किताबें मुहैया करवाने में नाकाम रहने पर हाईकोर्ट से केजरीवाल सरकार को फटकार, कोर्ट ने कहा केजरीवाल को सिर्फ सत्ता की चाह। दिल्ली की जहांगीरपुरी में महिला की दिनदहाड़े हत्या, नाबालिग आरोपी का महिला की बेटी से एक तरफा प्यार का आरोप। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। शिकायत पुलिस और चुनाव आयोग से की। उधर राजस्थान के बाड़मेर में मतदान के दौरान पुलिस के जवानों और अधिकारियों से मारपीट की घटना सामने आई। बताया गया कि मतदान केंद्र से कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को बाहर निकालने की वजह से वहां हंगामा हो गया और इसकी वजह से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस उम्मीदवार उम्मेदाराम बेनीवाल के समर्थक आपस में भिड़ गए। वहां सुरक्षा में तैनात कई पुलिसकर्मियों और अधिकारियों से भी मारपीट की गई। एक पुलिसकर्मी की नाक से खून बहता दिखाई दिया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बल के जवानों का जमावड़ा दिखा और उनके सामने कई लोग जमीन पर बैठ गए। मारपीट हुई जगह साहब। बताया गया कि मतदान केंद्र से कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को बाहर निकालने की वजह से विवाद हुआ, लेकिन इसकी खबर मिलते ही बायतू विधायक और कांग्रेस नेता हरीश चौधरी वहां पहुंच गए। उनकी पुलिस अधिकारियों से बहस हो गई। कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने कांग्रेस एजेंट को पीटे जाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर कानून की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा दिया। उनके मुताबिक मतदान केंद्र पर एजेंट के न होने पर वोटिंग रोक दी जाती है, लेकिन कांग्रेस एजेंट को बाहर निकालने के बाद भी वोटिंग की प्रक्रिया चलती रही। इधर दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए खूब हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के पार्षदों ने हंगामा किया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव कराने के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति जरूरी है, लेकिन उसकी नियुक्ति ही नहीं हुई। और इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन में हंगामा किया। वो बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर भी लाए, क्योंकि इस बार दिल्ली में दलित समुदाय का मेयर चुना जाना था, लेकिन चुनाव में देर हुई क्योंकि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई। और इसी बात पर आम आदमी पार्टी के पार्षद पीले बैनर लेकर टेबल पर चढ़ गए। दूसरी ओर से बीजेपी के पार्षद भी टेबल पर चढ़ गए, उनके हाथों में सफेद बैनर दिखे। यानी दिल्ली नगर निगम में मेयर के चुनाव के मुद्दे पर खूब हल्ला मचा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम में दलित समुदाय का मेयर बनने से रोकने की साजिश रची गई। साजिश रचते हुए इन चुनावों को पोस्टपोन कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने बताया कि दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की मंजूरी चुनाव आयोग ने दी थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति ही नहीं हुई और मेयर का चुनाव टलता गया। और इसी बात पर दिल्ली नगर निगम में खूब बवाल हुआ। इस बीच गुजरात के जूनागढ़ में एक दुकान पर हुई छोटी सी कहा सुनी भीषण मारपीट में बदल गई। बताया गया कि कुछ लोग उस दुकान से खरीदे गए कूलर के खराब होने की शिकायत लेकर दुकान पर पहुंचे, लेकिन वहां थोड़ी देर की बहस के बाद ही जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस खतरनाक झगड़े से पहले वहां उस दुकान में दो लोग आए और वहां मौजूद लोगों से बहस शुरू कर दी। इसके बाद ये बहस कुछ ही पलों में हाथापाई में बदल गई। तभी अचानक सफेद टी शर्ट पहने लड़के ने वहां जमीन पर रखे एक पंखे को उठा लिया और ऐसा लगा जैसे वो उसी से सामने वाले आदमी को मारना शुरू कर देगा, लेकिन इससे पहले